एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग यू आर द प्लेसिबो की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज मैं 118 पेज पर डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह फियर और एंजाइटी के लूप को तोड़कर आप एक पॉजिटिविटी का लूप क्रिएट कर सकते हैं और सर्वाइवल मोड से बाहर आ सकते हैं। सो ऑथर कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव इमोशंस यानी काइंडनेस एंड कंपैशन रखते हैं तो दैट आर बर्थ राइट टेंस टू रिलीज डिफरेंट न्यूरोपेप्टाइड ऑक्सीटोसिन। तो एक ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होता है और ये एमिग्डाला जो कि हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है जो कि इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है उसके रिसेप्टर्स को ये शट ऑफ कर देता है एंड द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट जनरेट्स फियर एंड एंग्जाइटी। तो ये उस वहां पर के रिसेप्टर्स को जब ये शट ऑफ कर देता है तो फियर और एंग्जाइटी के इमोशंस अपने आप सप्रेस हो जाते हैं। विद फियर आउट ऑफ वे वी कैन फील इन्फिनेटली मोर ट्रस्ट फॉरगिवनेस एंड लव। जब आपके अंदर से फियर और एंग्जाइटी सप्रेस हो जाता है देन आप थोड़ा और ज्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं, चाहे वो अपने लिए दूसरे के लिए या सिचुएशन को इजीली आप एक्सेप्ट कर पाते हैं एंड ट्रस्ट फॉरगिवनेस एंड लव की फीलिंग्स आती है। वी मूव फ्रॉम बीइंग सेल्फिश टू सेल्फलेस। तब हम एक सेल्फलेस वे में हम बिहेव करना शुरू करते हैं, चाहे अपने ही लिए या औरों के लिए। एंड एज वी एम्बॉडी न्यू स्टेट ऑफ बींग आर न्यू सर्किट्री ओपन्स द डोर ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एंड तब हमारी न्यूरो सर्किट्री इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की तरफ जाती है क्योंकि हमारे रेसिस्टेंस निकल जाते हैं, चाहे वो सिचुएशन से रिलेटेड हो अपने से रिलेटेड हो, हम रेसिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस हमारे ही माइंड में होते हैं कि वो कोई काम हम करना चाह रहे हैं और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कोई इंसान है हमें रोक रहा है, या फिर फियर और एंग्जाइटी हम खुद अपने आप को रोक रहे हैं। तब हम इन सारी चीज़ों को जब हम हटा पाते हैं तब हम एंडलेस पॉसिबिलिटीज की तरफ जाते हैं। एवर बीन इमेजिन बिफोर बिकॉज वी आर नाउ एक्सपेंडिंग ऑल आर एनर्जी ट्राइंग टू नॉट एक्सपेंडिंग ऑल आर एनर्जी ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू सर्वाइव। जब क्योंकि जब हम फियर और एंग्जाइटी को डील करने ये इमोशंस ही सप्रेस हो गया तो हमारी एनर्जी अब सर्वाइवल मोड में खुद को सर्वाइव करने के मोड से ऊपर उठ जाती है। यानी अब आपकी एनर्जी फियर और एंग्जाइटी को डील करने में नहीं जाती, तब आपकी जो एनर्जी बचती है उसे आप यूज करते हैं क्रिएटिविटी के लिए। सो इस तरह से हम किसी भी सिचुएशन किसी इंसान अपने लिए इवन अपने लिए भी हम काइंडनेस और कंपैशन रखते हैं क्योंकि जब हम अपने हम खुद ही समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने लिए भी कंपैशन रखें कि इट्स ओके समटाइम्स बीइंग नेगेटिव, इट्स ओके। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस हमारे अंदर भी हैं, तो अपने लिए भी कंपैशन एंड काइंडनेस रख के जब हम चीज़ों को माफ़ करने लगते हैं औरों को अपने आप को सिचुएशंस को तो फियर और एंग्जाइटी अपने आप वो मेल्ट होने लगती है एंड तब आप सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं और अपने आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, तब आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।